हे गाइस, देखो आज मैंने एक वीडियो बनाया है जहाँ पर मैं आपको पहले दिखा देना चाहूँ, ये थंबनेल डाला है, अब चाहो तो जाके देख लो। इस वीडियो के अंदर मतलब एक चीज़ मैंने बताया कि सर टाटा को छोड़ दो, क्यों परेशान कर रहे हो, दूसरों को क्यों परेशान करना है कि नहीं। तुम्हें चाहिए क्या पहले एक बताओ, तुम्हें प्रॉफिट चाहिए चाहिए ना भाई, प्रॉफिट फिर बात ख़त्म हो जाती है। देखो मैं बोलूँगा रिलायंस भी बहुत बड़ी कंपनी है कि नहीं, बड़ी बड़ी कंपनी है, लेकिन हमें बड़ी कंपनी के पीछे नहीं भागना, हमें उस कंपनी के पीछे भागना है जो प्रॉफिट निकाल के देगी। और नहीं तो भाई, अगर आपको लॉस ही चाहिए तो आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करो। याद रखिए, ऐसा नहीं है कि मैं टाटा को मतलब मानता नहीं हूँ भाई, आपसे ज़्यादा मानता हूँ, और अगर ज़रूरत पड़ी तो प्रूफ करके भी दिखा दूंगा। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ, मैं अभी स्टॉक मार्केट में हूँ सर, ठीक है। अभी मान लेते हैं कि रतन टाटा ने बिजनेस, हो सकता है कि रतन टाटा को बिजनेस में काफ़ी ज़्यादा रुचि हो, गलत नहीं बोलूंगा, बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन सर अगर कोई स्टूडेंट मान लेते हैं कि अगर वो डॉक्टर बनना चाहता है तो उसमें भी कोई गलत नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो डॉक्टर बन गया तो रतन टाटा के खिलाफ चला गया, ऐसा कुछ भी नहीं है सर, ऐसा कुछ भी नहीं है, है कि नहीं। उसी तरीके से अगर मान लेते हैं कि अगर मैं मान लेते हैं कि मैं टाटा का शेयर नहीं खरीदता हूँ, इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं खराब हो गया भाई, ऐसा कुछ नहीं है। कहने का मतलब है कि भाई दो ऐसे स्टॉक हैं जिन्होंने पैसा, एक स्टॉक ने पैसा 10 गुना कर दिया और एक स्टॉक ने तो सर पैसा 20 गुना कर दिया, लेकिन सर कुछ लोगों ने टाटा के शेयर के पीछे अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं, वो स्टॉक डबल भी नहीं हो पाया। और ये वीडियो में मैंने वो बताया है कि भाई क्या चाहिए आप लोग को पहले वो डिसाइड कर लो यहाँ पर, ठीक है। ज़्यादातर लोग टाटा के शेयर के पीछे इस वजह से भागते हैं क्योंकि सर वो सेफ है, उसमें कोई बेईमानी नहीं करेगा, उसके मैनेजमेंट अच्छे होंगे, क्योंकि सर ठीक है ये सारे चीज़ें जो हैं केवल टाटा, रतन टाटा जी की वजह से, क्योंकि वो अच्छे आदमी है तो सब अच्छा हुआ करके, कुछ बुरा नहीं होने देंगे, ये मानना है बस यही। अगर सर मान लेते हैं ये सेम स्ट्रैटेजी आप दूसरे कंपनी में, क्यों दूसरे कंपनी में हम रिसर्च नहीं कर पाएंगे, है कि नहीं, क्योंकि उसकी मैनेजमेंट बदनाम निकल सकती है, गलत कर सकती है, इस वजह से, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर दिखाया है कि किस तरीके से दो स्टॉक्स ने पैसा, एक स्टॉक्स ने पैसा 10 गुना, दूसरे स्टॉक्स ने पैसा 20 गुना कर दिया करके। और उसी तरीके से अगर आप टाटा के बहुत बड़े फैन हो तो आइए इस वीडियो में साबित करके दिखा दूंगा। जो मैंने इस थंबनेल में लिखा है, जो भी आप वीडियो देख रहे हो यहाँ पर, कि टाटा का गुप्त रॉकेट, पता ही नहीं होगा लोगों को, पता ही नहीं होगा, क्यों, क्योंकि सर लोग किससे प्यार करते हैं समझ में नहीं आता, ठीक है। टाटा का एक ऐसा स्टॉक जो है टाटा का, है टाटा का, टाटा की समझ लो, डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो, है टाटा का सुपर रॉकेट बन रहा है सर वो कंपनी, लेकिन पता किसको, किसी को नहीं पता, क्यों, क्यों सर हम तो उनके पीछे भागेंगे ना जो नोन हो, सबको पता हो, है कि नहीं, नोन कंपनी हो, इसलिए। तो देखो इसलिए मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि अभी भी टाटा ग्रुप के अंदर बहुत सारे ऐसे मल्टीबैगर छुपे हुए हैं। अगर देखोगे तो सर कम से कम देखोगे तो टोटल टाटा के 60 कंपनी है, तो 20 तो मेन कंपनी है, मेन मेन मतलब सबको पता है सर, और जितने बचे हैं सर 40-50 कंपनी बचे हैं, वो मैं खुद ही बोल रहा हूँ, मुझे खुद भी नहीं पता सर, ऑनेस्टली मैं बोल रहा हूँ, कहाँ से पता चलेगा यार, इतने सारे कंपनी ढूंढना पड़ता है, देखना पड़ता है, पता लगाना पड़ता है। क्योंकि मान लेते हैं कि देखो टाटा कंज्यूमर तो टाटा हो गया भाई, ठीक है, टाटा मोटर तो टाटा हो गया भाई, टाटा कंसल्टेंसी तो टाटा हो गया, ठीक है, टाटा टेली तो टाटा का हो गया, तो भाई टाटा लिखा है तो टाटा का हो गया, जहाँ टाटा नहीं लिखा क्या वो टाटा का नहीं है, ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं होता कि जहाँ पर टाटा नहीं लिखा वो टाटा की कंपनी नहीं है, आपको बस पता करना पड़ेगा वहाँ पर। अभी देखिए कंपनी का नाम ऑटोमेटिव स्टैंपिंग, ठीक है, ये 10% भागा है सर ये स्टॉक, और साथ में अपर सर्किट भी है, कहीं पे आजू बाजू में कहीं टाटा लिखा है क्या, नहीं लिखा है, तो सर रिसर्च करोगे तो ना पता चलेगा, पढ़ोगे देखोगे जानोगे जानकारी लोगे तो ना पता चलेगा, बस टाटा लिखा है खरीद लो अच्छा रिटर्न निकाल के देगा, ऐसा थोड़ी होगा, मैं तो ऐसा कभी ज़िंदगी में ना करूँगा भाई, ठीक है, ऐसा गलती मत कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि नुकसान आपका ही होता है, ठीक है। पिछले एक साल में इस कंपनी ने कितना रिटर्न दिया, पैसा डबल, 5 सालों में देख लीजिए, ठीक है, 5 सालों में 1200% तक का रिटर्न, लंबे समय से देख लीजिए, टाटा एलेक्सी की तरह ये भी नहीं चला था, अब देख लीजिए, ठीक है, ये टाटा का स्टॉक है सर, टाटा का, ठीक है। देखिए आपको बता देता हूँ यहाँ पर, हालांकि इसके पहले तो मैंने वीडियो बना रखा है, ठीक है, कंपनी का नाम देख लीजिए बताया जा रहा है यहाँ पर, ठीक है, पैसेंजर कार एंड कमर्शियल व्हीकल लार्जली फॉर टाटा मोटर लिमिटेड, किसके लिए सर, ये सारी चीज़ें जो कंपनी बनाती है, मैन्युफैक्चर जो भी बनाती है, ठीक है, शीट्स वगैरह बनाती है, स्टैंपिंग वगैरह बनाती है, जो भी बनाती है सर, ठीक है, किसके लिए, ब्रैकेट में, इसलिए आप लोगों के लिए लिख के दिया गया, देख लीजिए ब्रैकेट में लिख के दिया गया, किसके लिए, लार्जली फॉर टाटा मोटर लिमिटेड। ये कंपनी जो भी काम करती है सर, सारा काम टाटा मोटर के लिए करती है, थोड़ी बहुत जो काम है वो दूसरे कंपनियों के लिए करती है। तो टाटा मोटर का शेयर का प्राइस भागेगा तो क्या सर, इस शेयर का प्राइस, मान लीजिए ये जो ऑटोमेटिव स्टैंपिंग है, क्या इसका शेयर का प्राइस गिर जाएगा, नहीं सर, ये भी भागेगा, क्योंकि सर ये टाटा के लिए ही तो काम कर रही है ना, यहाँ पर देख सकते हो, बताया जा रहा, देख सकते हो, बताया जा रहा, द कंपनी इज बींग प्रमोटेड बाई टाटा, बाकी तो कंपनी का नाम है वो छोड़ दीजिए, क्या लिखा हुआ सर, किसके द्वारा, टाटा के द्वारा, है कि नहीं। तो लोगों को लगता है कि सर टाटा लिखा होना चाहिए, ऐसा नहीं होता,
ठीक है, इसलिए बोल रहा हूँ टाटा मोटर जितना महान है सर, उतना महान और भी कंपनी है जो उनके लिए डायरेक्ट कंपोनेंट बनाती है, बहुत सारी कंपनी है सर। टाटा मोटर एक्चुअली में अगर आप देखोगे तो सर वो कार नहीं बनाती है, लेकिन ये बोलते बोलते लोगों को थक जाओ लेकिन नहीं समझ में आएगा, ठीक है। और बेटर है ना समझे यार, कितने लोगों को बताओगे समझाओगे, ठीक है। बाकी एक ना एक दिन उनको जब ध्यान से कहीं देखेंगे सोचेंगे समझेंगे तो पता चल जाएगा, ठीक है। ऐसा टाटा मोटर कार नहीं बनाती है, वो सारी चीज़ों का डिज़ाइन बनाती है, वो ऑर्डर देती है दूसरे कंपनियों को, चीज़ों को असेंबल करती है अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स, खुद की नीड्स के हिसाब से, और फिर उस सारी सारी चीज़ों को सर असेंबल करने के बाद ज्वाइन करके मार्केट में प्रेजेंट कर देती है, याद रखिए। और ये केवल टाटा का फार्मूला नहीं है सर, बहुत सारी कंपनियों का फार्मूला यही है, ठीक है। टाटा क्या बनाती है सर अपने हिसाब से, टाटा का टायर नहीं है, टाटा का पेंट नहीं है, टाटा का जो दरवाज़ा आता है कार में लगाने वाला वो भी नहीं है सर, ना टाटा जो ग्लास बनाती है जो कार के चारों तरफ ग्लास होते हैं वो भी नहीं बनाती है सर। क्या बनाती है टाटा यार, फिर क्या बनाती है, ना व्हील्स बनाती है, ना एलॉयल्स व्हील्स, ये सारी चीज़ें होती है वो कुछ नहीं बनाती है सर, दो चार चीज़ें ही बनाती है बस वो, ना सीट बनाती है टाटा अपना, क्या बनाती है सर। तो ये सारी चीज़ें जो है असेंबल किया जाता है, दो चार चीज़ें बनाती है टाटा, वो क्या करती है डिज़ाइन करती है चीज़ों का, डिज़ाइन करती है चीज़ों का, वो कौन करता है सर, टाटा ही अलग से डिज़ाइन करती है सारी टेक्नोलॉजी वगैरह कितना क्या चाहिए करके। उसके बाद सर ये टाटा क्या करती है, डिफरेंट डिफरेंट कंपनियों को सर वो ऑर्डर देती है, वो सारे लोग ला के देते हैं और ये फिर ये बनाती है, बनाती का मतलब वो जॉइंट करती है सर, उसके बाद मार्केट में प्रेजेंट कर देती है, ये डिज़ाइन करती है सर टाटा, ठीक है। और उसका मदद कौन करता है, टाटा इलेक्सी और टाटा टेक्नोलॉजी। नहीं तो मैं सोच रहा हूँ कि फिर से मैं फुल डिटेल में वीडियो बना दूँ विद प्रूफ के साथ, इससे होगा क्या लोगों तक सही जानकारी पहुँचेगी और क्या। हालांकि मैंने तो पहले भी बना ही रखा, मैं डरता हूँ कभी कभी कि दोबारा उसी चीज़ के ऊपर वीडियो बनाओ, तिबारा उसी चीज़ के ऊपर वीडियो बनाओ बार बार, तो लोग भी बोलेंगे यार ये तो इरीटेट कर रहा है। तो मैं चाहता हूँ जिनको नहीं पता उनको पता चल रहा है, बाकी ठीक है पता है तो और अच्छी बात है, ठीक है। बाकी डिक्सन टेक्नोलॉजी सर आज 6-7% भागता हुआ नजर आया, मतलब ये वही डिक्सन टेक्नोलॉजी है जिसमें 50% तक का गिरावट देखने को मिला था सर, सर लोग डर चुके थे 47-50% तक का, आज ये वही स्टॉक है जो नीचे से 150% तक का रिटर्न निकाल के दे रखा है। हमें बस इतना ही सीखना है कि सर खबर अच्छी आई है उसमें नो डाउट है मैं आपको बोलूँगा, लेकिन बस ये सीखना है यहाँ से हमें कि सर अच्छी कंपनी अगर कल के डेट में गिर जाती है तो हमें टेंशन नहीं लेना चाहिए, हमें लॉन्ग टर्म के बारे में सोचना चाहिए। दोबारा अगर आप देखोगे तो सर स्टॉक पहले भी यहाँ पर लगभग जो 45-50% गिर चुका था, फिर देखिए कहाँ भागा, फिर गिरा, फिर देखो कहाँ भागता हुआ नजर आ रहा, ठीक है। तो खबर के बारे में तो मैं उसके लिए दूसरा कंप्लीट वीडियो बना दूंगा, बस यही बता रहा हूँ कुछ कुछ सीखिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सीखिए। सोनाटा सॉफ्टवेयर सर आईटी सेक्टर का सबसे बढ़िया कंपनी अगर आप देखोगे ना, सोनाटा सॉफ्टवेयर सर, इस कंपनी को 10-10, 20-20 साल के कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं सर अमेरिका से, 20-20 साल, 10-10 साल के लंबे समय के लिए कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं ऐसा है। और सुपर प्रॉफिट देने वाला ये कंपनी देख लीजिए सर, ना ये कोरोना से डरा है, ना ही अमेरिका के इंटरेस्ट रेट से डरा है, और पिछले 5 सालों में सर सबसे ज़्यादा रिटर्न निकाल के देने वाला, एकदम मतलब 5-6 गुना कर देने वाला पैसा है सर, देख लीजिए। सारे स्टॉक्स गिरे हैं, विप्रो से लेकर इन्फोसिस तक सारे स्टॉक्स गिरे हैं सर, ठीक है। बिरला वगैरह गिरे हैं, सारे स्टॉक्स गिरे हैं सर, ठीक है। लेकिन ये कंपनी सर गिरी ही नहीं है, ऑल टाइम हाई पे जा चुकी है, ठीक है। तो आईटी सेक्टर में 10-10 साल के सर एक्स्ट्रा कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, जो कि इनको लगभग जो है सोर्स ऑफ रेवेन्यू में एक एक्स्ट्रा सोर्स जुड़ चुका है, मतलब कल तक ये 100 रुपये मैक्सिमम कमा पाते थे, अब 10 रुपये और एक्स्ट्रा कमा पाएंगे तो 110 रुपये, मतलब इनका प्रॉफिट आने वाले दिनों में इंक्रीज़ होने वाला है। क्यों? क्योंकि सर इनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो जो है इंक्रीज़ हो गया, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो मतलब एक एक्स्ट्रा ऑर्डर मिल चुका है सर इनको, ऐसा है। और सर डिफेंस के लिए भी अगर आप देखोगे डिफेंस में, तो बताया जा रहा BEL HAL, ठीक है, ये दो ऐसे कंपनी हैं जिन पे काफ़ी बड़ा बेनिफिट देखने को मिल सकता है डिफेंस में, जिस तरीके से अगर आप देखते हो तो बेनिफिट मिलता हुआ नजर आ रहा है 84,560 करोड़ का। हालांकि सर जो बजट में फंड एलोकेट किया गया है रेलवे के लिए, डिफेंस के लिए, एजुकेशन के लिए, हॉस्पिटल के लिए और बहुत सारी चीज़ों के लिए, तो सर वो फंड केवल एलोकेट किया गया है, सारी कंपनियों तक वो पैसा नहीं पहुँचा, तो उसके लिए सर कंपनियों को धीरे धीरे ऑर्डर दिए जाएंगे और ऑर्डर देने के बाद सर उनको बिल दिया जाएगा, बिल भी मतलब जो 3-3 महीने में उनका पास होता है, तो वो सारा पैसा सर कंपनी के पास घूर के जाएगा। तो इसी वजह से सर ये सारा बेनिफिट कौन से कंपनी को मिलेगा, आप देखिए रेलवे सेक्टर का कौन सा ऐसे कंपनी जो थोड़े सस्ते वैल्यूएशन पर मिल रहा है, ठीक है। डिफेंस सेक्टर में भी उसी तरीके से ध्यान दीजिए, मौका बहुत है सर इस साल भी, मतलब अच्छा खासा लोग पैसा बनाएंगे, बाकी इलेक्शन मेन है वहाँ ध्यान दीजिएगा।